उपराष्ट्रपति की मिमिक्री घटना के बाद साक्षी मलिक मामले ने सियासत को और गर्मा दिया। प्रदेश के नेता तराजू में तोलने के बाद ही अपने पर बयान दे रहे हैं। बीजेपी और जेजेपी के बड़े नेता क्या कह रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट की अहमियत अब जेजेपी को भी समझ में आने लगी है और पार्टी ने 7 जनवरी को करनाल लोकसभा की रैली रख दी है। घरोंडा में होने वाली रैली में सिरों की गिनती करवाकर पार्टी जहां गठबंधन की सीनियर पार्टनर बीजेपी के दबाव से बाहर निकलना चाहेगी, वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव में खाली हाथ लौटने की तोहमत को भी खूंटी पर टांगने की कोशिश करेगी। इसके लिए पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने शनिवार को पानीपत में कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक ली और उन्हें सियासी भाषा में सारी बातें समझा दी। इसके अलावा जेजेपी के प्रधान महासचिव ने साक्षी मलिक मामले में अपनी कूटनीतिक टिप्पणी की। चूंकि इस मामले में सियासत अब गर्मा गई है और हर नेता अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहा है, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, मेरे परिवार के सदस्य हैं, चाहे साक्षी हो, विनेश हो, बजरंग पुनिया हो, हमारा भाई है, कि ऐसा मत करो, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं खुद फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ हैंडबॉल का। आपका ओलंपिक के अंदर कहीं कोई हक और हकूक होगा उसको दबने नहीं देंगे, उसको मरने नहीं देंगे। इनजस्टिस अगर होगा तो फिर हम सब लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे रेसलिंग फेडरेशन के अंदर भी, मगर आप ऐसा मत करें जिससे एक गलत संदेश जाए नौजवान खिलाड़ी। पहले तो बात ये थी कि भाई एक इस्तीफा दिया जाए, वो इस्तीफा हो गया था, बाद में इनका क्या इशू रहा है और वो क्या है। देखिए मैं बहुत छोटे लेवल का कार्यकर्ता हूँ, एक खाली MLA हूँ। बात जेजेपी की चली है तो एक पते की बात, वो ये कि चुनाव नजदीक आते ही किसानों और वर्ग विशेष में जेजेपी और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला की भावी सियासत को लेकर टिप्पणियां सामने आने लगी हैं कि दुष्यंत को जाट समाज अब भी आशीर्वाद दे सकता है क्योंकि वो एक काबिल नेता हैं। जब पता जिस चीज कहा शायद करे किसान मान जाए, इसको नेता मान ले, क्यों युवा लड़का है, बढ़िया बोलता है, विधानसभा में भी बहुत बढ़िया बोलता है, इसलिए हमारा सबसे बड़ा लीडर यही हो सकता है। जाए लोग इसको, लेकिन कमी क्या देख रहे इसमें? कमी तो मैं तो कुछ देखता नहीं, फिर यहाँ जो पब्लिक है वो बीजेपी को टारगेट रख रही है। बहरहाल अब प्रदेश में चारों ओर उपराष्ट्रपति साक्षी मलिक और चुनावी दबाव की राजनीति और कूटनीति होने लगी है। सियासत का पारा ऊपर नीचे जा रहा है, इसीलिए चुनावी अखाड़े के पहलवानों की सांसें भी ऊपर नीचे हो रही हैं। कैमरामैन राजेश कुमार और सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।